गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस के इस वीडियो में आज हम बाउंड्स ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे एंड साथ में कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड के बारे में बता दिया था। आज इस वीडियो में हम लोअर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित आगे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। अब बाउंडेड बिलो, सेट ऑफ बाउंडेड बिलो क्या होता है? एनी सबसेट एक्स ऑफ आर, यदि हमारे पास में आर कोई ऑर्डर्ड फील्ड है, रियल है और उसका कोई एक्स एक सबसेट है, ये बाउंडेड बिलो एक्स हमारा बाउंडेड बिलो कहलाएगा। कब कहलाएगा? जबकि देयर एग्जिस्ट सम के, एक कोई ऐसा नंबर के है जो कि रियल नंबर में है या इस एक्स में है, उससे एक्स, एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स है तो उसमें एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, मतलब एक ऐसा छोटा नंबर के है उपस्थित है जिससे कि एक्स सारे के सारे उससे बड़े हैं, जो भी एलिमेंट एक्स के हैं वो सारे उससे बड़े हैं। हम मैंने यहाँ पर आपका सबसेट एक्स लिया है, आप किसी बुक में एस भी दे रखा है, किसी बुक में आर की जगह फील्ड एफ भी ले रखा है, आप इसको जो भी डिनोट करना चाहें वो कर सकते हैं। दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, प्रत्येक अवयव, जो एक्स का प्रत्येक अवयव है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, वो इस, ये हमारा के जो मैंने लिखा है ये स्मॉल के है, इज और इक्वल टू स्मॉल के, क्योंकि मैंने पिछले वाले में अपर बाउंड में कैपिटल के यूज़ किया था तो यहाँ हम स्मॉल के यूज़ करेंगे। फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स, दस द नंबर के इज कॉल्ड द लोअर बाउंड ऑफ एक्स। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा के है वो निम्न परिबद्ध है या लोअर बाउंड कहलाता है। अब लोअर बाउंड किसी भी समुच्चय का जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि उस समुच्चय में हो। तो अगर रियल नंबर में से कोई अवयव हमने लिए जो कि लोअर बाउंड है एक्स में है, तो बहुत सारे लोअर बाउंड्स हो सकते हैं किसी भी सेट में। उन सब लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है उसे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। इफ़ के इज़ लोअर बाउंड ऑफ एक्स, मान लेते हैं कि जो स्मॉल के है ये हमारा लोअर बाउंड यानी कि निम्न परिबद्ध है एक्स का, देन एनी नंबर लेस देन के, कोई भी ऐसा नंबर जो के से छोटा हो वो भी लोअर बाउंड होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल में आगे समझाऊंगी। दैट इज़, इसका मतलब क्या है? इफ़ अ सेट एक्स इज़ बाउंडेड बिलो, यदि हमारा कोई जो समुच्चय है वो नीचे से परिबद्ध है और उसमें एक ऐसा एलिमेंट है के वन जो कि उस नीचे के परिबद्ध के नंबर से बड़ा है, द ग्रेटर नंबर सेज के वन इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ एक्स, देन बाउंडेड बिलो इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि x हमारा s का अवयव है और x जितने भी, फॉर ऑल जितने भी x के अवयव हैं, फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ s, s एक समुच्चय है, उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उन अवयव में यदि x जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी एक अवयव k से बड़े हैं और साथ में देयर एग्जिस्ट एक के वन, एक के वन नंबर है जो हमने फील्ड में से लिया है या हमने आर में से लिया है रियल नंबर्स में से, इज सच दैट एक्स इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन के वन एंड के इज़ ग्रेटर देन के वन, देन के इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि ये भी लोअर बाउंड है और ये भी लोअर बाउंड है। अब ये इससे बड़ा है, इसका मतलब अगर ऐसे ही कोई के टू नंबर है और वो इससे भी छोटा है तो हम ये के सबसे बड़ा है तो हम क्या कहेंगे कि के इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या इसे हम उच्चतम, सॉरी, उच्चतम निम्न परिबद्ध या निम्नक भी हम इसे कहते हैं। अब जैसे हमने R एक ऑर्डर्ड फील्ड ले लिया, S उसका सबसेट लिया, मान लेते हैं कि R हमारा रियल नंबर का है, उसमें से हमने एक सबसेट ले लिया, S इज़ ए सबसेट ऑफ R, 0, 1, 2, 3। अब इसमें लोअर बाउंड कौन सा हुआ? यहाँ पर ये ज़ीरो लोअर बाउंड हुआ क्योंकि जीरो सबसे यहाँ पर छोटा नंबर है, उससे सारे नंबर बड़े हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास में जीरो इज दी लोअर बाउंड या निम्न परिबद्ध, निम्न परिबद्ध। अब माइनस वन बाई टू भी इज रियल नंबर है या माइनस वन इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अब जितने भी x के अवयव हैं 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे अवयव इससे बड़े हैं, माइनस वन बाई टू से या माइनस वन से x के अवयव सारे बड़े हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो 0 है वो माइनस वन बाई टू से बड़ा है, वो माइनस वन से बड़ा है। तो इस तरह से ये जो 0 है ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, यानी कि निम्नक या उच्च निम्न उच्चतम निम्न परिबद्ध हो गया। 0 इज़ दी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इस तरह से हम इसके एग्जांपल से ये समझेंगे कि कोई भी समुच्चय हमको दिया हुआ है, उस समुच्चय में अगर वो फाइनाइट समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, तो उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होते हैं तो वो समुच्चय बाउंडेड सेट कहलाता है, और उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये इसी समुच्चय एस का अवयव हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि मान लेते हैं एस इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है। इसमें से क्या देखेंगे हम, अब इसको रखना शुरू करते हैं, एक्स को 1 रखा हमने तो ये 1 आ गया, 0 आ गया, एक्स स्क्वायर जो है वो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो 1, 2, 3 तक, अब हम इसमें 3 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास जो समुच्चय आया है वो समुच्चय है -2, -1, 0, 1 और 2। तो ये हमारे पास में एस एक सेट है। अब इसमें -2 एस का अवयव है और -2 रियल नंबर का भी अवयव होता है। -2 से ये एक्स बड़े, जितने भी एक्स के अवयव हैं वो सारे -2 से बड़े हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा अवयव है जिससे एक्स के सारे अवयव बड़े हैं, इसका मतलब -2 इज़ दी लोअर बाउंड। अब हम -3 लें, -4 लें जो कि R के अवयव हैं, तो लोअर बाउंड्स का इसी समुच्चय S के अवयव होना ज़रूरी नहीं है। तो हमने -3 लिया, -4 लिया, पर हम क्या देखते हैं कि -3 और -4 ये सब -2 से छोटी संख्याएं हैं, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना हो गया, -2। तो इनफीमम ऑफ S इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हुआ हमारा, -2। अब हम बाउंडेड सेट की डेफिनेशन करेंगे। ए सबसेट एस ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड इफ़ इट इज़ बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। यदि हमारे पास में कोई एक समुच्चय एस है जो कि रियल ऑर्डर्ड फील्ड का उप समुच्चय है, आर हमारा ऑर्डर्ड फील्ड है और रियल नंबर है, इसका ये उप समुच्चय है, तो हम कहेंगे कि ये जो समुच्चय एस है ये परिबद्ध कहलाएगा। कब? यदि ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से परिबद्ध हो, दैट इज एस इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट के स्मॉल के एंड कैपिटल के विच इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, देन एक्स लाइज बिटवीन के एंड। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एस इज इक्वल टू 1/n, n इज एलिमेंट ऑफ n। तो इसमें हमारे पास में क्या आता है कि जब हम n इक्वल टू 1, 2, 3 रखते हैं तो s इक्वल टू हमारे पास में हो जाता है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ये यहाँ पर लास्ट में 1/∞ तक जाता है जो कि करीब करीब 0 के बराबर हो जाता है। अब ये हमारा बाउंडेड सेट हो गया क्योंकि यहाँ पर जो x इज एलिमेंट ऑफ s है, x जीत फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x, वो किस में बिलोंग करते हैं हमारे, 0 से तो सारे बड़े हैं और x से 1 से सारे छोटे हैं, या तो 1 है या 1 से छोटे हैं। तो हम ये कहेंगे कि सेट s इज बाउंडेड, बाउंडेड पूरा बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो क्या है, इसका जो लोअर बाउंड है 0 इज लोअर बाउंड एंड 1 इज अपर बाउंड। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या देखा कि s हमारा, इसका
बाकी अगर हम रियल नंबर के कोई टर्म्स लें तो इससे सारे जीरो से अगर छोटे लें तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। तो ज़ीरो इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड वन इज़ लीस्ट अपर बाउंड। तो इस तरह से सारे अपर बाउंड में वन सबसे छोटा होगा, तो वन इज़ लीस्ट अपर बाउंड एंड ज़ीरो इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इस तरह से हमारे पास में ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ। जैसे हम एग्ज़ाम्पल सेकंड लेते हैं, इस एग्ज़ाम्पल सेकंड में हमारा जो समुच्चय है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय एन। तो 1 में से पहले हमने 1 रखा तो ये हमारा पास में आया 0, फिर ये आया 1 बाय 2, फिर आया 2 बाय 3, फिर आया 3 बाय 4। हम यहाँ पर n की जगह 1, 2, 3 रखते चले जाएंगे और इसकी निकालते चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x इज़ एलिमेंट ऑफ s। x में जितने भी अवयव हैं उनमें 0 से बड़े ही सारे अवयव हैं। तो यहाँ पर क्या है, 0 इज़ लोअर बाउंड या निम्न परिबद्ध। अब 0 से बड़ा कोई भी निम्न परिबद्ध विद्यमान नहीं है, 0 से बड़ा कोई भी निम्न परिबद्ध विद्यमान नहीं है, क्योंकि अगर हम रियल नंबर में से माइनस वन भी लें वो भी लें तो वो सब इससे छोटे हैं, तो इससे बड़ा कोई भी विद्यमान नहीं है। अतः दैट इज़ 0 इज़ इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और आगे भी हम क्या देखेंगे कि 1 माइनस 1 अपॉन एन विच इज़ लेस देन 1 फॉर ऑल n इज़ एलिमेंट ऑफ n। ये हमेशा 1 से, ये देखिए यहाँ से ये जाता चला जाएगा तो लास्ट में ये 1 से सारे अवयव छोटे ही रहेंगे। यहाँ 0.5 आ गया, पॉइंट यहाँ पर 6 आ गया एंड सो ऑन। तो ये सारे अवयव 1 से छोटे रहेंगे, इसलिए 1 इज़ अपर बाउंड या ऊपरी परिबद्ध। तो इस तरह से, और इसको 1 को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम उसको नहीं कह सकते, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि 1 इज़ अपर बाउंड एंड 0 इज़ लोअर बाउंड। तो यहाँ पर 1 हमारा क्या है, 1 इज़ सुप्रीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, ये हमारा होगा लीस्ट अपर बाउंड। तो इस तरह से आप बाउंडेड सेट में से लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इन्फीमम और सुप्रीमम निकाल सकते हैं। अब हम ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्ज्यूम्स को देखेंगे, क्रम पूर्णता अभिग्रहित क्या होती है उसे हम देखेंगे। उसके लिए हमारे पास में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो लीस्ट अपर बाउंड एक्ज्यूम्स और एक ग्रेटेस्ट अपर बाउंड एक्ज्यूम्स। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, एवरी नोन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। यदि हमारे पास में कोई एक फील्ड, हमारे पास में ऑर्डर्ड फील्ड है, जैसे कि आर कह दें या एफ कह दें, आर इज़ एन ऑर्डर्ड फील्ड। अगर हमारे पास में R कोई ऑर्डर्ड फील्ड है और S उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, एंड S इज ए सबसेट ऑफ R, S उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है और जो कि बाउंडेड अबव है, जो हमारा S सबसेट है ये अगर बाउंडेड अबव है तो हम ये क्या कहेंगे कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S इज एग्जिस्ट, यानी कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R विच इज बाउंडेड अबव एडमिट्स ऑफ लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम इन आर। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो निकालते हैं तो लीस्ट अपर बाउंड एक्ज्यूम्स क्या होता है कि यदि हमारे पास में एस कोई एक समुच्चय है जो कि आर का उप समुच्चय है, तो आर क्या है, ऑर्डर्ड फील्ड है, तो ये जो एस है इसमें हमारे पास में एक लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए, यानी कि सुप्रीमम होना चाहिए जो कि एग्जिस्ट करता हो इस आर के लिए, तो हम कहेंगे कि हमारा लीस्ट अपर बाउंड एक्ज्यूम सेटिस्फाइड होता है। इसी तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्ज्यूम्स हैं, यहाँ पर भी हमारे पास में आर एक ऑर्डर्ड फील्ड है, एस उसका सबसेट है और एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर
तो यहाँ पर सबसेट हमारा एस है विच इज़ बाउंडेड बिलो, जो कि नीचे से परिबद्ध है, जो नीचे से परिबद्ध होने के साथ में उसमें ग्रेटेस्ट एडमिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है या इन्फीमम हम कह दें इन्फीमम भी उस आर में उपस्थित है। तो अगर ये दोनों एग्ज्यूम्स पूरे करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ऑर्डर कम्प्लीटनेस एग्ज्यूम्स ये पूरे हो जाते हैं। अब हम इस चैप्टर के जो लास्ट है उसे हम पढ़ेंगे, कम्प्लीट ऑर्डर फील्ड। मैंने अभी तक आपको फील्ड की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने आपको ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन, ऑर्डर एग्ज्यूम्स बताए, तो ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन हुई, उसके बाद में कम्प्लीटनेस एग्ज्यूम्स बताए। तो जितने भी हमारे पास में ऑर्डर्ड फील्ड आर विच वैन सेटिस्फाई द अबव कम्प्लीटनेस एग्ज्यूम्स, ये जो मैंने अभी आपको दो एग्ज्यूम्स पढ़ाए थे, अगर ये भी सेटिस्फाई करें तो हम कहेंगे कि ये कम्प्लीट ऑर्डर फील्ड कहलाता है। तो यानी कि कम्प्लीट ऑर्डर फील्ड क्या हुआ, ऑर्डर फील्ड क्या होता है, फील्ड की डेफिनेशन मतलब जो भी हमारा समुच्चय है, सपोज आर हमारा समुच्चय है, ये हमारा फील्ड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऑर्डर्ड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और कम्प्लीटनेस एग्ज्यूम्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, फील्ड एग्ज्यूम्स को, ऑर्डर्ड एग्ज्यूम्स को और कम्प्लीटनेस एग्ज्यूम्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था फील्ड की हमारे पास में 11 कंडीशंस होती हैं, ऑर्डर एग्ज्यूम्स की हमारे पास में 4 कंडीशंस होती हैं और कम्प्लीटनेस की हमारे पास में 2। तो ये जितनी भी एग्ज्यूम्स हैं इन सबको सेटिस्फाई करता है तब हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास में एक कम्प्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। यानी कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड हम किसी भी समुच्चय को कब कहेंगे, जबकि वो फील्ड की 11 एग्ज्यूम्स को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी, एडिशन एग्ज्यूम्स जिसमें कि क्लोजर एडिशन है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है, इसी तरह से और क्रम विनिमय भी है, कम्यूटेटिव भी है, साथ में मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये पाँचों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इन्वर्स प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड लास्टली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये 11 प्रॉपर्टीज़ में फील्ड में होनी चाहिए जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसी तरह से ऑर्डर एग्ज्यूम्स क्या होते हैं, ऑर्डर एग्ज्यूम्स हमारे पास में जो हैं वो हैं ट्रिकोटॉमी लॉ है, ट्रांजिटिव लॉ है, मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन है एंड मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि त्रिविभागी नियम, संक्रामक नियम, योज्य एकदिष्ट नियम, गुणन एकदिष्ट नियम, ये चारों नियम भी सेटिस्फाई करें, साथ में बाउंडेड हो, लोअर एंड अपर बाउंड दोनों हो, यानी कि उस समुच्चय में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड दोनों होने चाहिए, तो ये कंप्लीट एग्ज्यूम्स भी पूरी करता हो, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर्ड फील्ड है उसके एग्जांपल्स जो हमारे पास में रियल नंबर है एंड रेशनल नंबर है, ये हमारे ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता है, ये कम्प्लीटनेस की कंडीशन को पूरी नहीं करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।